मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट, देश भर के इन राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 11-12 दिसंबर के आसपास एक ताजा पश्चिमी क्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिसके चलते एक बार फिर से उत्तर भारत से लेकर के मैदानी इलाकों तक हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी शुरू होगा। 11-12 दिसंबर से पहाड़ों पर फिर से शुरू हो जाएगी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं। आज 9 दिसंबर को बारिश की गतिविधियां पंजाब राज्य में अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। राज्य में आज 9 दिसंबर को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंडी, मुरैना में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही साथ टीकमगढ़ और अशोकनगर जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य के भी ललितपुर जिले और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दूसरी तरफ अरब सागर के ऊपर भी निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर कम दबाव की उपस्थिति केरल तट और आसपास के इलाकों में कर्नाटक में हवा चलने के साथ ही मध्यम से तेज बारिश की भी संभावना है। समुद्र से आने वाली हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता को एक बार फिर से बढ़ा देंगी, जो कि लगभग आने वाले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। केरल और तटीय कर्नाटक के अलावा बेंगलुरु, मैसूर, मांड्या और आसपास के इलाकों में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी अच्छी बरसात की उम्मीद है। केरल राज्य में भी मध्यम वर्षा और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आज 9 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। 9 और 10 दिसंबर के दौरान बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल और माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।